ठंडी नहीं लगी थी लेकिन पैर में से पैर पूरे ठंडे हो गए वो हमारी बहुत ही अच्छी जगह से खूबसूरत जगह से हो रही है। तो दोस्तों अभी हम रुके हैं दुलपुड़े में और आज तारीख है 27, तो आज हम यहाँ से निकलेंगे और आज यहाँ से हम चलकर जाएंगे। तो यहाँ पर कुशकांडा कर एक जगह है, वहीं पर हमें आज रात को स्टे करना है क्योंकि वहां पर होटल है। तो आज भी हमें टेंट लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ी क्योंकि उसके ऊपर जो है हमें टेंट ही लगाना है। तो जितना हो सके उतना हम यहां से जहां जहां पर हमें स्टे मिले वहां पर रुकते जा रहे हैं। तो यहां से हम कुशकांडा जाएंगे, रेडी हो गए, निकलते हैं यहां से। ये जो सामने छानी दिख रही है हम वहीं पर रुके थे, ये हमने यहां से जाना है। ये जाना है, ये खाला दिख रहा है, इसके पीछे कूस है। अच्छा ठीक है। तो इससे आज जो ऊपर चढ़ना है वो डूंगा है, कोई नंगा डूंगा दिख रहा। अच्छा हाँ। उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर 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 पर जाना है। तो वो ऊपर खड़ा नहीं दिख रहा था, वो क्यार की है। अच्छा वहाँ जाना है। हाँ। एक दिन के लिए टूरिस्ट वहाँ बनाएंगे। अच्छा दूसरे दिन उससे ऊपर ऊपर चढ़ के वो डूंगा ऊपर चढ़ना है, उसके पीछे तब जाना है। दो दिन लगेंगे, तीन दिन। तो विजय भाई ने हमें सब बता दिया है, हमें आज कूश रुकना है, परसों क्यार की और उसके बाद सहस्त्रताल। तो दो दिन लगेंगे आने की तैयारी हो रही है, पैकिंग चल रही है, सब कपड़े बपड़े जो रेनकोट थे कल पहने थे तो अच्छा हुआ शाम को काम आ गए। तो अभी तो लगता नहीं, अभी आसमान खुला है पूरा, तो सामान पैक करेंगे और फिर निकलेंगे। तो चलिए फिर आज बहुत सारा सफ़र काटना है, जितना जल्दी हो सके उतना सफ़र काटेंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। पिंछवाड़ गांव की छावनी है ये, इनके पशु भी सब यहाँ पर ही है। विंदेश भाई हमारी सवारी अभी निकल गई है, हमें जाना है वहाँ। जो ये मैं आपको दिखाता हूँ जूम कर, ये जो आपको गैप दिख रही है उसके पीछे जाना है। तो यहाँ से होकर यहाँ जाना है, मतलब वहाँ तो हमें दोपहर तक पहुँचना है। खाना हम वहीं पर खाएंगे, फिर तो आगे जाना है। वो सामान लेके आ रहे हैं और पीछे भी आ रहे हैं। मजा आवे हैं? मजा आवे। हाँ मजा आवे। गुजराती अच्छा बोलते हैं। हाँ मीठा लगता है। वो इसे नेपाली है, वो गुजरात में है तो उसको गुजराती आती है। हमारे आगे जा रहे हैं विजय भाई। तो सहस्त्रताल जाने का पूरा रास्ता और हमारे गाइड हम बोल सकते हैं वो विजय भाई है, पूरा रास्ता वही दिखाएंगे हमें। जय बोले। जय बोले। देखिए रास्ते में कितने खूबसूरत से झरने आ रहे हैं, कुदरत का नजारा, नेचर। अभी तो कितना चढ़ने का है, ये सारा पहाड़ ऊपर चढ़ने का है।
विंडेज में ऊपर शूटिंग कर रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये जो पत्थर है किस पे टिका है, देखो इतने में ही टिका है ये पूरा पत्थर। बिंदेश भाई बहुत ही धीमे धीमे से आ रहे हैं क्योंकि वहां पे फिसलन ज्यादा है, अगर फिसले तो सीधे नीचे जाएंगे। भी एकदम से खड़ी चढ़ाई है, तो ये खड़ी चढ़ाई हम पूरी हो जाएगी तो हम तप्पड़ तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर धीरे धीरे पहुंच जाते। विजय भाई और वो तो सब बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए, बहुत खतरनाक है सर, सीधी चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई है, बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है ढलान वाली। थक गए हैं और आगे भी बहुत ऊपर है तो अभी बोला भी नहीं जा रहा है। चढ़ाई है बहुत खराब है, मैं फिर से बोल रहा हूँ पिंचवाड़ से कभी मत आना, कमत से जाना वो बेहतर रहेगा, इतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। हाँ, ऐसी लकड़ी रखने से थकान नहीं लगती आपको? ऐसे रखने से थकान नहीं लगती है। तो अभी हम ऊपर आ गए हैं तप्पड़ में, जहाँ से आपने अभी देखा कि खड़ी चढ़ाई थी, तो वो चढ़कर अभी हम ऊपर खुले मैदान में आ गए। जब भी खुले मैदान में आते हैं तो एकदम हास का अनुभव होता है। अगर गुजराती होते तो हास का मतलब पता चलता, हास का मतलब राहत की अनुभूति होता है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। क्या है? पीछे सवाल समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? पाले जी, जी माने जीनियस, इधर ऐसा ही काम लगता है। पाले जी और पाले जी घर पर कभी नहीं खाते हैं और यहाँ पर खाया तो बहुत टेस्टी लग रहा है क्योंकि भूख लग रही है बहुत। हाँ, तो जंगल में जो मिले वो अच्छा लगता है। एक से एक पहाड़ आ रहा है, एक के बाद एक पहाड़ खत्म ही नहीं रोज हो रहा है। इसको क्या बोलते हो आप? तरंग मामा को क्या बोलते हो? भंडारी। भंडारी बोलते हो? ये भंडारी है, भंडारी इधर देखो। अभी पवित्र राम बचा हुआ है, जिसके भाग्य पे होता है वही जा पाता है, कोशिश करना है वापस नहीं आना है। सही है, ये चढ़ान है थोड़ी ऊपर, चढ़ाई चढ़ाई है पर हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ। चढ़ाई तो पूरी चढ़ाई है पर हिम्मत नहीं हारनी है। जहाँ दो दिन का चलने वाला दो दिन लगाएगा, तुम तीन दिन लगा देना, क्या प्रॉब्लम? हाँ, आराम से चलेंगे, आराम से चलेंगे। मनत बताओ, इतना ऊपर चढ़ने का है। हेलो दोस्तों, तो अभी हमें कूस जाने के लिए इस पहाड़ के ऊपर जाना है। दिखाओ विंडेज भाई। तो अभी इधर तो कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, तो हम किस रास्ते से होके जाएंगे, दिखाओ इधर भी। तो अभी बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, नीचे देखी थी उससे भी ज़्यादा लग रही है ये। इसके ऊपर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पर कूस आ जाएगा, वहाँ पर हमको रहना। आज दोपहर का जो भोजन है वहीं पर लेंगे और फिर देखते हैं कितनी थकान लगी और क्या है, फिर आगे जाएंगे, वरना देखे आगे क्या होता है। हाँ, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि जो अभी जो हम बोलते हैं कि कुदरत का जो नज़ारा होता है वो आगे बहुत ही अच्छा है
यहाँ पे तो जो था वो हमने तो कभी देखा नहीं था, लेकिन वहाँ पर वो तो अनबिलीवेबल है। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही भयंकर चढ़ाई है, अभी तो सीधा ऊपर जाना है। मनुष्य लग रहे हो मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अभी आधा ही हुआ है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अभी इतना ही, इतना ही ऊपर। अभी जा इधर से, इधर आया तो इधर से और है, इतना ही लग रहा है। जब कितना ढूंढ रहा था आईडिया, मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ। बहुत ही बड़ा पक्षी है गिद्ध, हमारे यहाँ तो देखने ही नहीं मिलते हैं, लेकिन इधर है, बहुत बड़ा है। बारिश भी स्टार्ट हो गई और बिंदी से का बेल्ट भी टूट गया। रास्ते में जा रहे हैं और जबरदस्त वाली बारिश हो गई है। अभी यहाँ पर विजय भाई और तरंग मामा अंदर है। जबरदस्त बारिश शुरू हो गई और नेपाली आगे चले गए हैं, सामान सब सामान सब उनके पास है, आगे चले गए, सामान भी गए। मैं और बिंदेस भाई यहाँ पर बैठ गए। एक ये इनपुट पड़ा था प्लास्टिक वाला, तो अच्छा था, और एक ये सादा था, अब अच्छा था। अब ये बंद होगी तो जाएंगे, और ये भी जा रही है। सोलन से आ गए, से थोड़ा ही आगे हैं, कुछ थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर अभी हम बैठे और सोहन सी जो है अभी अभी हमें यहाँ पर मिले, तो अभी यहाँ से हमारा रास्ता एक होगा आगे जाने का। फटाफट से कुश पहुँचते हैं, कुश पहुँच कर खाना खाएंगे। चलिए, तो अभी हम कुश कल्याणी पहुँच गए, जंगलात वालों का बिल्डिंग है, होटल थोड़ी आगे है, तो चलिए अभी जाकर आपको होटल भी दिखाते हैं। उसमें तो बहुत वातावरण यहाँ पर फॉग वाला है, तो जल्दी से अभी अंदर जाते हैं वरना ठंड लग जाएगी, क्योंकि सब गीले हैं। कैसे ये जाए बढ़िया उसमें अभी चाय पी रहे हैं, और चाय बहुत बढ़िया है। एमएस भाई सब भाई दिया नहीं, वो आगे जाके रिटर्न हो गए, वापिस आ गए हैं। वहाँ पे मौसम कैसा था? मौसम बहुत सुंदर था, हम लोग परसों रुके थे तो साफ था मौसम, कल आते समय शाम 4-5 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई थी। साड़ी मार एक साथ
अभी कुश कल्याण में बैठे हैं और बढ़िया सी होटल में दाल और चावल बनाइए, राजमा है, चने की दाल है और साथ में बहुत ही अच्छी सी दाल बनाइए। तो चलो अभी खाते हैं। बिंदेश भाई कैसा लग रहा है आपको? विजय अभी सर्विस कर रहे हैं, विजय अभी सर्विस में है होटल पे, जो है खाना खुना खिला रहे हैं। बाद में शाम के बजे है 5, बहुत ही कोहरा हो रखा है। बिंदेश भाई खड़े देखो भूत बनकर, बहुत ठंड पड़ रही है। खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ की जो हाइट है वो 10,780 है, तो बहुत हाइट है और ठंड भी बहुत लग रही है। आप हमारी हालत देखकर आपको आइडिया तो आ ही गया होगा। इधर मामा को दिखे, मामा इधर आ जाओ, मामा को देखो फूल पे हो गए। बिंदेश भाई को भी देखने लायक है, देखो बत्ती कैसे, देखो तीसरी आंख भी है भोलेनाथ की। चालू करो, तीसरी आंख शुरू करता हूँ। तो आज तो बारिश बहुत थी इसलिए हम यहीं पर रुक गए थे, तो अभी आगे जाने का कोई प्लान नहीं किया था। तो अभी हम कल सुबह जल्दी ही 4:30 बजे निकल जाने का प्लानिंग है हमारा यहाँ से। तो देखते हैं अभी कल हम कहाँ पर पहुँचते हैं। तो आज का जो सफ़र हम कवर नहीं कर पाए वो कल सुबह कवर करेंगे। कल हमें इतना सफ़र कवर करना है जो आज हम नहीं कर पाए। इसमें क्या रखा हुआ है कुकर में? चालू है चावल, अभी दाल बन गया, चावल चालू है, चावल पकना, चावल चावल अभी लकड़ी जला रहे हैं। पहले लकड़ी गीली है, इधर ये लकड़ी मुश्किल से जलती है। यहाँ तो बहुत मुश्किल से जो है गीली लकड़ी जलानी पड़ रही है। कल से लकड़ी मिलना भी बंद हो जाएगा, कल से ओरिजिनल ट्रैकिंग शुरू होगा। सहस्त्रताल पहुंच गए तो वहाँ पे एक नाइट वहाँ पे होल्ड स्टे होगा। स्टे करने का जगह नहीं है ना, थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। वहाँ से जैसे हम चले गए, वहाँ से हम चले गए, फिर थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। वहाँ पे स्टे करने का जगह नहीं है, सामने नहीं करते लोग, जो भी आते पीछे ही आते थोड़े। वहाँ से पीछे से डेरे से उठे, वहाँ गए, दर्शन वर्शन करे, फिर रिटर्न आना पड़ेगा। वहाँ पे अपने जहाँ पे टेंट लगे होंगे। ऑक्सीजन की कमी कहाँ पे रहेगी? ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं लोग कि आगे रहेंगे ये 4 की वगैरह में। कल तो नहीं रहेगी, कल तो ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ कल तक तो मिलेगा बराबर, परसों से थोड़ा प्रॉब्लम अगर किसी को होगी, इतना जरूरी नहीं कि होगी। लोग चल रहे फिर रहे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जी का क्या नाम है? सरसों बटेटा। खाओ खाओ, शुरू करो फटाफट। हाँ चलो फटाफट शुरू करते, दबाओ दबाओ फटाफट। चाचा 10 रोटी दबाओ। कितनी? 10 रोटी। चलो अभी खाना खाते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सीताराम बाय।